आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक सैंडविच की रेसिपी जो एज अ स्नैक इवनिंग स्नैक आप बेबी को दे सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसको मैंने अपने तरीके से बनाया है, बेबी की पसंद और टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चाहें तो उसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वो रेसिपी है जो मैं अपने 20 मंथ ओल्ड टॉडलर को देती हूँ। बेबी 20 मंथ प्लस की है और वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह इजिली अब च्यू कर लेती है बिकॉज उसके पीछे के मोलर्स आ गए हैं। बेबी के लिए इवनिंग स्नैक बनाने के लिए मैंने लिया है गाजर, येलो बेल पेपर, एक चीज स्लाइस, बटर और होममेड चटनी। जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं घर में। मैंने यहाँ गाजर सेलेक्ट करी है बिकॉज गाजर उसको बहुत पसंद है। गाजर को धो के अच्छे से, बहुत अच्छे से पील करिए और वॉश बहुत अच्छे से करना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल डिसइंफेक्शन का मेरा क्या तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। फिर एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें आपको पानी ऐड करना है और जो आपने वेजिटेबल्स कट करी हैं उनको आप स्टीम करने के लिए, थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए आप चढ़ा सकते हैं गैस पे। दो ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उनके साइड्स आप काट देंगे बिकॉज जनरली बच्चे साइड्स नहीं खाते, खाना पसंद करते हैं और सैंडविच में साइड्स आते हैं तो मज़ा भी नहीं आता है। फिर इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। लेट मी टेल यू, ये मैं सैंडविच मेकर में नहीं बना रही हूँ, ये रेसिपी मैं सैंडविच की नॉर्मल तवे पे बना रही हूँ, ये झटपट बनाने वाली रेसिपी है। फिर एक ब्रेड पे मैं चटनी लगाती हूँ, इट्स अ होममेड चटनी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे बिकॉज बाकी इन्ग्रीडियंट्स में ऑलरेडी नमक होता है। इधर हमारे वेजिटेबल्स स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं। फिर मैं इन वेजिटेबल्स को ग्रेट कर लेती हूँ। फिर बेल पेपर भी कट करके इन दोनों को अच्छे से मैं ब्रेड के ऊपर जिसमें मैंने बटर लगाया था उस पर अच्छे से मैं स्प्रेड करती हूँ। एंड देन आई पुट सम चीज़ स्लाइस ऑन टॉप। पूरा चीज़ नहीं लगाती हूँ, थोड़ा लगाती हूँ अदरवाइज बहुत हैवी हो जाएगा। फिर सैंडविच को बंद करके अच्छे से मैं प्रेस करके ऑफकोर्स गैस चढ़ाती हूँ, उस पर तवा चढ़ाती हूँ। आई टोल्ड यू इसको मैं तवे पर बनाती हूँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ। थोड़ा सा देसी घी लगा के इसको मैं दोनों साइड बहुत अच्छे से सेक लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कुरकुरा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट साइड पे ही रखती हूँ, बट इंश्योर करती हूँ कि थोड़ा सा ये पक जाए। थोड़ा सा पकने के बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर देती हूँ। एंड कोशिश ये रहती है इवन पीसेस में कट हूँ। एंड ये हो जाता है सैंडविच तैयार, जिसको टॉडलर ईजिली अपने हाथ से भी खा सकता है, आप भी खिला सकते हैं। एंड हियर इज माई डॉटर एंजॉइंग हर वेजिटेबल सैंडविच विच आई गिव her as an evening snack.